भाई ये चीज ना पंजाब में मैंने किसी और ढाबे पे नहीं देखी है। देखो देसी घी में भिगो के पराठा पूरा निचोड़ के, वाह ये देख लो, ऐसे ही सलाद भी नहीं लगता। देखा मैंने 60-60 प्लेट सलाद, और भाई जो माहौल है। भाई जिस जगह मैं आपको लेके आया हूँ ना, मेरे को नाम बताने की जरूरत नहीं है, पूरा पीछे जैम पैक माहौल है। दूर तक आप देखोगे रश है, दो दो घंटे वेटिंग चल रही है, दो घंटे भाई साहब लिटरली लोग नाम लिखवा रहे हैं, मेंबर लिखवा रहे हैं, बाहर लाइन में लग रहे हैं अपनी बारी के लिए। अगर अभी हम ढाबा के अंदर एंटर कर गए, और भाई जिस साइड भी मेरी नजर जा रही है सारे के सारे टेबल फुल है, लोग खा रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू सर आपने मेरा टाइम दिया। नाम बता दीजिए सर अपना। दीपक कुमार जी। सर इतना नाम बनाया आपने, इतना कुछ है आपके नाम पर, मतलब लोग मिसाल देते हैं ढाबे की। हाँ जी। तो वो देते हैं सर स्वाद की वजह से। हाँ जी। तो एक बार रसोई दिखाइए अपनी यहाँ की। आइए दिखाते हैं, आइए। भाई ये देखो अभी भी जो पूरा माहौल है ना, फैमिलीज आ रही हैं, बाहर वेटिंग चल रही है, और दीपक भैया लेकर जा रहे हैं किचन में। ऐसा लग रहा है कि कोई अलग दुनिया में आ गए हैं, वहाँ से निकल के यहाँ पर आए। और भाई जो सीन है, एक बार आप चारों तरफ नज़र घुमाओ, मतलब जितने सर ढाबों पे लोग होते हैं खाने वाले, उतने तो मेरे हिसाब से आपके पास वर्कर ये काम करने वाले। तो सामने तंदूर लगे हुए हैं सर, कितने तंदूर है ये? तीन तंदूर है यहाँ पे। वाह, तीन तंदूर लगे हैं, और उस्ताद जी लगे। उस्ताद जी क्या लगा रहे हैं? रोटी। वाह ये आलू गोभी पराठा। और आप उस्ताद जी? लच्छा पराठा। सर आप क्या लगा रहे हो? वाह ये देखो भाई लच्छे पराठे, और बहुत कमाल का सेटअप है सर। ये पीछे देगा अपनी? हाँ ये दाल है भाई। वाह ये हमारी यहाँ की फेमस दाल है ये। वाह इस दाल को 12 घंटे लगते हैं तैयार होने में। 12 घंटे? हाँ जी यहाँ ये दाल है, ये दाल फ्राई होती है यहाँ। अभी लड़का दाल फ्राई करने लगा करके। भाई ये सामने देखो भाई साहब चावल लगा रहे हो, ये लग रहे राइस, और ये दाल है सामने आ रहा देसी घी। प्लेटिंग सामने तैयार हो रही है, प्लेट्स लग रही है, सीधा दाल बन के तैयार होके आएगी। भाई साहब ये चेक करो, ओए होए होए होए, आवाज आती है ना छस, इतना शोर है किचन में, बट ये धमाके होते हैं उस्ताद जी सब शांत हो जाते हैं। सर ये कितने सालों से ऐसी तड़का लग रहा है? 107 साल हो गए। 107 साल से तड़का लग रहा है। भाई ये देखो आपको लग रहा होगा वीडियो के लिए ज्यादा है, रिकॉर्ड उठा लो कैसे ढाबे का, इतना ही देसी घी मिलेगा हर वीडियो में। और ये देखो भाई साहब, मतलब सर बरसता है घी ना, क्या बात है। एक बार वो क्रश तो करके दिखाइए। ओए होए 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 होए, ये हमारा यहाँ की बेस्ट आइटम है पालक जी, ऐसा पालक में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जो लुक भी है सर वो बता ही रही कि ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। हाँ ऐसा पालक नहीं मिलेगा, बेस्ट टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। ये कढ़ाई पनीर है। ये आ गया जी कढ़ाई पनीर। हाँ जी बहुत ही बेहतरीन। ये बैंगन का भरता, ये भी हमारा बेस्ट है यहाँ। ऊपर रोगन देखो, और पूरा देसी घी है ना। ऐसा बैंगन भरता हमने आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जो टेस्ट ये बैंगन भरते का होगा सर, एक तरह से विरासत है जो आप 100 साल से चला रहे हो और संभाली हुई है। ये शाही पनीर है भाई, ये चेक करो शाही पनीर, और जो भी सब्जी आप देख रहे हो ना, और ये बस तेल नहीं भाई, देसी घी है। ये चने मसाले, ये है जी छोले का मसाला, और ये खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है, सब्जी खत्म होने वाली बात है। ये 4 प्याज भरने लगा ही लगा इसमें, चार प्याज की थाली। हाँ ये 4 प्याज लगेगा इसमें। क्या बात है, कितनी कटोरी होगी लमसम? 50-60 कटोरी होगी ये भाई, 50-60 कटोरी ना एक साथ। ये प्याज लग रहा है उस्ताद जी, देखो ये देखो। वाह यार सर, जो बोला जाता है कि पंजाब का सबसे बिजी ढाबा, सबसे ज्यादा चलने वाला ढाबा, वो आज सच पता लग गया कि है। भाई थालियों की ना गिनती यहाँ पे खत्म नहीं हो रही, लगातार थालियाँ जलती जा रही हैं। अब ये देखो लाइनअप सारी लगी हुई है। ये है जी दाल और लच्छे पराठे वाली थाली, ये भी दाल और लच्छे पराठे। ये क्या उस्ताद जी? शाही पनीर। वाह ये है शाही पनीर और लच्छा पराठा, बेहतरीन। इतना वेट करने के बाद अब लग रही है जी केसर ढाबा की स्पेशल थाली। ये आ गई पहली सब्जी पालक पनीर। तो भाई ये आ गए अपने परौंठे थाली के, लगाओ भैया। भैया हाथ थोड़ा ध्यान से कम लगाना, आप रुकते नहीं हो। भाई ये देखो पूरा नहला दिया परौंठे को, और जो लुक है दिखाना भाई साहब। भाई ये आ गए पराठे, अब यहाँ से आ रहे जी गर्मा गर्म छोले। वाह अमृतसर आए केसर के ढाबे पे, और छोले नहीं खाए अमृतसरी तो क्या ही खाया। अब वहाँ से आ रही जी दाल, देसी घी, बूंदी का रायता। ये आ गया जी गर्मा गर्म पालक पनीर, और केसर ढाबे की बढ़िया पंचरत्न वाली थाली तैयार। भाई थाली अपनी तैयार है, चलते टेबल पे आपको स्वाद बताते हैं। पर स्वाद बताने से पहले भाई सबको सैल्यूट है, तो ऐसी बिजी किचन पूरे पंजाब में मैंने इतने ढाबे की, ऐसे ढाबे की किचन नहीं देखी। इतना बिजी माहौल, अंदर चल
करके अब आपको स्वाद बताता हूँ और दिखाता हूँ वहाँ माहौल कितना बिजी है। भाई सबसे पहले थाली चेक करो क्या है, फूड ब्लॉगर होने के नाते ना पता नहीं उन्होंने कंसेशन दे दिया, जो भी है जगह मिल गई भाई। ये देखो रश पूरा आकड़िया को, कितनी देर लगी थी जगह मिलने में? 15-20 मिनट लगे। आप सही टाइम पे आए हो, लोग एक एक घंटे के भाई बाहर खड़े, उनको जगह नहीं मिली। पंजाब की सबसे बिजी किचन और सबसे बिजी ढाबा में बैठा हूँ, दो दो घंटे वेट कर रहे हैं लोग और मजा, मतलब जो मजा खाने में वेटिंग में नहीं है, दो दो घंटे वेट चल रही है, वेट कर रहे हैं ना भाजी दो घंटे। ये दीपक भाजी ने दिखाया ढाबा पूरा तसल्ली से, भाजी साथ खाओ आ जाओ। दीपक भाजी तो रोज खाते हैं, आज हम खा के देखते हैं। ये देसी घी, मतलब इतना देसी घी लगाया ना आटे में, जितना हम पानी डालते हैं आटा गूंदने के लिए, ये गूंधे हुए आटे में इतना देसी घी डाल देते हैं भाई अंदर तक, मतलब समझ रहा ना रूट्स तक चला गया उसके, रूट्स तक। ओए होए, और ये देखो जब दबाओ तो घी निकलेगा अंदर से, घी मतलब दो पराठे खाओ, पराठे का साइज और घी की अमाउंट देख के ना समझ जा रहा, दो पराठे खाओ छुट्टी छुट्टी। ये है भाई यहाँ की दाल, और दाल में भी ना जब मैंने उंगली डुबोई तो भाई इतनी उंगली पहले देसी घी में गई, फिर आगे जाके दाल आई, वो हिसाब है इतना घी भाई। बाकी ढाबों में क्या होता है, घी की ना इतनी ऊपर पतली सी परत होती है, इसमें घी इतना अंदर तक है, जितना मर्जी घुमा लो घी का ही स्वाद आएगा, इतना बढ़िया घी, मतलब समझ लो ना बढ़िया अमाउंट में डाल के खुले दिल से डाला जाता है। आगे आओ छोले पे, ये भाई छोले, तो ये लो आप छोले, छोले कमाल के हैं, बढ़िया स्वाद है, ये ऐसा ही साल है। 100 से ज़्यादा साल हो चुके हैं ढाबे को, और भाई जब आप पहुँचोगे अमृतसर, बाहर से आए हो कहीं दूर से, किसी भी ऑटो वाले को बोलोगे ना खाना खाना है, वो यही ले आएगा। अब जितना बाहर रश है ना, वो सारे टूरिस्ट हैं, सब के सब बाहर से आए हैं और नाम सुनकर आए हैं, कोई एक से दो, दो से तीन होता जाता ना, आगे से आगे नाम चल रहा है, वो हिसाब है। और ये देखो ये है जी पालक, और पालक में भी भाई वही बात, देसी घी इतना अमृतसर में, अगर लाहौर से आया ढाबा अमृतसर में इस्टेब्लिश हुआ, देसी घी इतना डाला जा रहा है ना कि लोग जो पंजाब में आ रहे हैं उनको होता है कि भाई पंजाब अमृतसर में देसी घी मिलता है। बहुत सारे ढाबे किए हैं, कोई ढाबा इतना देसी घी नहीं डालेगा, पर जो देसी घी यहाँ पे डालता है भाई, पर ही बोलते ना पंजाब में देसी के सबदा प्यो, वो यहाँ पे पक्का ही कर देते भाई देसी के सबदा प्यो। ये देखो बाहर से पंजाब आ रहे हो, कभी आए नहीं, पहली बार फूड टेस्ट करना है, ये करके आपके दिमाग में आ जाएगा भाई पंजाब में देसी घी बहुत है। वो इसी ढाबे पे है, बाकी ढाबे पे कम है। शौकीन हो अगर आप रिच, मतलब आज से 50 साल पुराना फूड खाना चाहते हो, जो लोग खाते थे तब पर डंड बैठा कहते हैं, इतना देसी घी खा के भाई आपको बहुत सारा जिम मारना पड़ेगा। अगर जिम नहीं मारोगे 3 दिन यहाँ पे लगातार रहोगे ना, 60 किलो के होगे, 66 के होगे, अपने शहर वापस जाओगे, ऐसा देसी घी खा के। लोकेशन बहुत मशहूर है, केसर का ढाबा, कहीं भी जाओ अमृतसर में नाम बोलो सीधा यहाँ तक छोड़ेंगे। मेरे बोलने पे आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, छोटे भाई का चैनल है, बोलो लाइक और सब्सक्राइब करो, लाइक और सब्सक्राइब करो, सही है कुछ सही है सही है।